पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मंगलवार को बिहार पुलिस ने महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया। पप्पू यादव की पेशी के लिए रात 11 बजे कोर्ट खुला। पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बीरपुर जेल भेज दिया गया है। मधेपुरा पुलिस ने मंगलवार को पप्पू यादव को 32 साल पुराने मामले में पटना से अरेस्ट किया था। पुलिस उन्हें लेकर रात 11 बजे के करीब मधेपुरा कोर्ट पहुंची थी। साल 1989 के एक पुराने लंबित कांड में जारी वारंट के बाद पप्पू यादव के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। पप्पू यादव बिहार के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद निधि से खरीदे गए दर्जनों एम्बुलेंस के कोरोना महामारी के बावजूद इस्तेमाल नहीं किए जाने को उजागर कर हाल ही में सुर्खियों में आए थे। पटना शहर के मंदिरी स्थित निवास से मंगलवार सुबह पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में लेकर गांधी मैदान थाने ले जाया गया।